अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहीन और आप देख रहे हैं फरहीन कुकिंग्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। आज मैं जो रेसिपी शेयर करने वाली हूं उसका नाम है बघारे बैगन। इसे हम बैगन का सालन भी कहते हैं। ये हैदराबाद की फेमस रेसिपी है। तो चलिए फिर देखते हैं ये बघारे बैगन का सालन कैसे बनाया जाता है और इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो बघारे बैगन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम बैगन लिए हैं। इसको मैंने इस तरह से 4 कट्स लगा लिए हैं और इन सभी बैगनों में मैंने एक एक चुटकी नमक लगा कर रखा है ताकि ये कड़वे ना हो सके। आप इसे नमक के पानी में भी रख सकते हैं। और इसके अलावा मैंने 2 बड़ी साइज़ की प्याज को रफली चॉप कर लिया है और थोड़ा सा हरा धनिया चाहिए हमें बारीक कटा हुआ। सूखा नारियल चाहिए हमें 1/2 कप और 1/2 कप हमें सफ़ेद तिल चाहिए। मूँगफली लेंगे हम 1/2 कप। इमली का पल्प लिया है मैंने 4 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए हमें 1 टीस्पून और यहाँ पर मैंने 4 से 5 हरी मिर्च ली हुई है और इसे मैंने बीच से कट्स लगा लिए। और थोड़ा सा करी पत्ता हमें चाहिए। नमक लेंगे हम 1 टेबल स्पून। रेड चिली पाउडर लिया है मैंने 2 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर चाहिए हमें 1/2 टीस्पून। ज़ीरा लेंगे हम 2 टीस्पून और यह है साबित धनिया 2 टेबल स्पून। तो सबसे पहले हम सूखे नारियल को हल्का सा भून लेंगे। तो देखिए अब ये भुन चुका है तो इसे हम निकाल लेते हैं। इसके बाद हम ये मूंगफली भुनेंगे। तो देखिए अब ये मूंगफली भी अच्छे से भुन चुकी है तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। और अब हम ये तिल को भुनेंगे। तिल भूनते वक्त आपकी गैस की फ्लेम जो है वो लो होनी चाहिए। ये तेज़ आंच पर उड़ने लगती है इसीलिए हम इसे धीमी आंच पर ही रोस्ट करेंगे। तो तिल भी हमारी भुन चुकी है, इसे भी हम निकाल लेंगे। इसके बाद हम ये धनिया और ज़ीरा भुनेंगे। ये 2 टीस्पून ज़ीरा है तो आधा ज़ीरा हम इसमें भून लेंगे और आधे ज़ीरे को हम बचा के साइड में रखेंगे और इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। तो ये धनिया और ज़ीरा भी हमारा भुन चुका है, इसे भी हम निकाल के साइड में रख लेंगे। अब हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इसमें ये जो प्याज है इसको सॉफ्ट कर लेंगे। प्याज को हमें गोल्डन नहीं करना है, इसे बस हल्का सा फ्राई कर लेना है। तो देखिए अब ये जो प्याज है हमारी ये सॉफ्ट हो चुकी है तो इसे हम निकाल लेंगे कढ़ाई से। तो ये सारी चीज़ें जिसको हमने रोस्ट किया है तो इन सभी चीज़ों को हम पीस कर इसका पेस्ट तैयार करेंगे। तो पहले हम ये सारी ड्राई चीज़ों को ग्राइंड करेंगे, उसके बाद हम इसमें ये प्याज भी ऐड कर देंगे और इसे भी इसके साथ ग्राइंड करके इसका भी पेस्ट तैयार कर लेंगे। पेस्ट हमने तैयार कर लिया है। अब हम कढ़ाई में ये 6 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और इसमें ये बैगन जो है हमारे इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो ये बैगनों को हमें इतना फ्राई करना है कि ये इसी में सॉफ्ट हो जाएं। तो देखिए अब ये जो बैगन है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं और ये अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो गए हैं तो इसे हम निकाल लेते हैं कढ़ाई से। अब हम इसी ऑयल में ये ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरा जब अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएगा तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। अदरक लहसुन भी हमारा अच्छी तरह से भून चुका है, अब हम इसमें ये मसाला ऐड करेंगे। तो प्याज, नारियल और तेल वगैरह को पीसकर जो हमने पेस्ट तैयार की थी ये वही पेस्ट है, तो ये सारा मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे और इस मसाले को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तो अब हम इस मसाले में ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और ये नमक। इन सभी चीज़ों को हम मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ऑयल जब तक सरफेस पर नहीं आ जाता तब तक हम इस मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। तो देखिए अब ये मसाला अच्छी तरह से भून चुका है, इसमें ऑयल भी साइड से नज़र आने लगा है। तो
तो अब हम इस मसाले में ये इमली का पल्प ऐड करेंगे। इमली का पल्प ऐड करने के बाद इसे हम बस 2 मिनट और भून लेंगे। दो मिनट भूनने के बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी आप अपनी मर्जी से जितना चाहे इसमें ऐड कर सकते हैं। आपको इसकी ग्रेवी पतली रखनी है या गाढ़ी, उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर लें। पानी ऐड करने के बाद इसमें हम ये जो बैगन हमने फ्राई करे हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। और अब इसमें मैं ये हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। इसके बाद हम इसमें करी पत्ता और हरी मिर्च ऐड करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को हम ग्रेवी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर इसकी लीड बंद करके हम इसे लो फ्लेम पर 5 मिनट तक पकाएंगे। तो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ये सालन हमारा बनकर रेडी हो चुका है। तो यकीन मानिए ये बहुत ही मज़े का बना है। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे काइंडली सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए फरहीन को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।